जैन साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम कवर करेंगे पार्ट 14 को। और दोस्तों, इससे पूर्व हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, प्रोफेशनल उत्तराखंड सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनिरुद्ध आश्रम स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, पौड़ी या नैनीताल। तो दोस्तों, अनिरुद्ध आश्रम गुप्तकाशी में स्थित है। ऑप्शन भी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए रिवीजन के तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोट बंगला किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या टिहरी। तो दोस्तों, कोट बंगला उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हार्डी प्रपात किस जनपद में स्थित है? देहरादून, चमोली, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून जनपद में हार्डी प्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काली नदी, अलकनंदा नदी, रामगंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 2, 3, 8 या 5। तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की जो है 5 प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2013, 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंदौर वन्यजीव विहार की जो स्थापना है वर्ष 2012 में हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली किन जनपदों में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, इन तीनों जिलों में जो है उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 की ओर, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जगमोहन रौतेला, यशोधर मठपाल, शेखर पाठक या भक्त दर्शन। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जगमोहन रौतेला उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ए देसाई, अशोक कांसरन, एनपी नवानी या आर के दर। दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आर के दर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 है, यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टोंस, कमलगढ़, आसन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोंस नदी। क्वेश्चन नंबर 11, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली या पौड़ी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद में पिनौरा ग्लेशियर स्थित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन 12 की ओर, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है? बैर नृत्य, जोड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य या भगनौल नृत्य। तो दोस्तों, क्वेश्चन 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झोड़ा नृत्य। अगला प्रश्न, जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? चालदा यात्रा, तेरी सौ, जगवाल या मेघा। तो दोस्तों, उत्तर और ऑप्शन ए, चालदा यात्रा, जो कि जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 14, एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी या गोविंद। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट एशिया व भारत का प्रथम उद्यान है। अगला प्रश्न है, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन है बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी
या नैनीताल। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन ए, बागेश्वर जनपद में सुकुंडा ताल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा ताल किस जनपद में है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली या नैनीताल। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में लामा ताल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुडली गुफा उत्तरकाशी के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, हरा, नीला या बैंगनी। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, थारू, भोटिया या राजी। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति से जो है बुढ़िया ताल नृत्य संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, पांडव गुफा किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या नैनीताल। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में जो है गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भरत सिंह रावत, के डी शाह, एनपी नवानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के डी शाह। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 22 है, अलकापुरी नाम किस जनपद का था? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या पौड़ी। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चमोली का। आगे देखेंगे, सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर या चमोली। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बागेश्वर जनपद में सुखराम ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में देवीधुरा में पूरा पाषाणिक सभागार किसने खोजे थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यज्ञदत्त शर्मा, हेनवुड, यशोधर मठपाल या आरएस बिस्ट ने। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेनवुड के द्वारा जो है 1856 में देवीधुरा में पूरा पाषाणिक सभागार की खोज की गई थी। चलिए आगे देखेंगे, खुमरी समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच, प्रधान, ग्राम सियाणा या ग्राम पालक। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम सियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? अब देखिए ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे, भोटिया, बोक्सा, थारू या जौनसारी। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमली लोकगीत किस जनजाति का है? भोटिया, थारू, राजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोटिया का। अगला प्रश्न देखेंगे, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन कहे जाते हैं? केदार सिंह, रतन सिंह जौनसारी, भाव सिंह चौहान या गुलाब सिंह। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन बी, रतन सिंह जौनसारी को जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा अठावली किस जनजाति के त्योहार है? राजी, भोटिया, जौनसारी या बोक्सा। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजी जनजाति का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 30 है, किमनी गांव से प्राप्त शैल चित्रों को किस रंग से रंगा गया है? नीला, सफेद, काला या हरा। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सफेद। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है किमनी गांव, लोएथाप, लाखू गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोएथाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दीपावली के अवसर पर गन्ने व नारियल से किस देवी की मूर्ति बनाई जाती है? नंदा देवी, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी या लक्ष्मी देवी। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी देवी की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 33 है, उत्तराखंड के किस त्योहार में जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? मकर संक्रांति, फूलदेई, पंचमी या हरेला। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? झोला देवी, मोला देवी, असाड़ी देवी या ठुमरी देवी।
तो दोस्तों जिया रानी के बचपन का नाम मोला देवी था, तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सुरकंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली या हरिद्वार। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 14 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।